गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर भी हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, इट मींस कौन सी टर्म आएगी, एंजियोस्पर्म। जहां भी फ्लावरिंग प्लांट की बात हो या कहीं पे भी एंजियोस्पर्म की बात हो, मतलब फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब या एंजियोस्पर्म का मतलब है कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पॉसिबल है और कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फ्लावर इज शूट बेयरिंग, अगर किसी फ्लावर में शूट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। किस टाइप की स्पोरोफिल्स, अगर मेन स्ट्रक्चर है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टेमेन, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों कहा गया, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, इसलिए स्टेमेन उसका नाम दिया है मेल प्लस माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल के लिए वो टर्म यूज की जाइए कार्पल, और ये मेगा स्पोरोफिल, मेगा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर स्टेमेन। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक पर्टिकुलर फ्लावर है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमें स्टडी करना है, और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको अगेन एंड अगेन यही टर्म देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इन टर्म्स को पढ़ेंगे। ब्रैकेट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई फ्लावर होता है पहले एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन पत्ती से चारों तरफ से ढका होता है। तो वो जो ग्रीन पत्ती है जो आपकी प्लांट फ्लावर की बर्ड को ढके हुए है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रैकेट, ठीक है। इसको इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, प्रोटेक्टिव है द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन, क्योंकि अभी वो क्या है, यंग है, ठीक है। धीरे धीरे जब वो ग्रो करने लगता है तो फ्लावर में चेंज हो जाता है, तो धीरे धीरे ये भी ओपन होने स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर देखिए छोटी सी बर्ड है, और इस बर्ड से एक फ्लावर की धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रही है। देन ब्रैकेट अ फ्लावर अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ ए ब्रैकेट, कोई भी फ्लावर इस ब्रैकेट से होके बाहर निकलता है। दूसरी चीज ई ब्रैकेट, ब्रैकेट इज अब्सेंट, अगर ई ब्रैकेट लिखा है तो मतलब वहां पे ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है। पेडिसल स्टॉल्क ऑफ द फ्लावर, ये देखिए दैट इज द पेडिसल, इसे स्टॉल्क ऑफ द फ्लावर का है। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट उस चीज के लिए टर्म यूज की गई है क्योंकि अब फ्लावर की कंडीशन में पॉलिनेशन की प्रोसेस अच्छे से हो सकती है, ठीक है, इसलिए कहा है द फ्लावर इन फेवरेबल पोजिशन ऑफ पॉलिनेशन। अगर पेडिसिल होता है प्रेजेंट तो वहां पर एक लेंथ मिल जाती है और फ्लावर वहां पे ऊपर अलग से नजर आता है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस इजिली हो सकती है, फेवरेबल होती है। सेसेल्स मतलब एब्सेंट ऑफ पेडिसिल, ठीक है, मतलब ये चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। या समटाइम सब सेलेसिल, मतलब बहुत छोटी, वेरी शॉर्ट पेडिसिल, ठीक है, मतलब जैसे लंबी दिखाई है वहां पे बहुत छोटी होगी, जिसे हम कहेंगे कि होना ना होना बराबर है, इसलिए वहां पे टर्म यूज की है सब सेलेसिल। ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल देखिए ये वाला जो है, एक और यहां से क्या निकल रहा है, न्यू, दो फ्लावर के अंदर से दो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है। सम फ्लावर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द फ्लावर फ्लावर पेडिसिल, तो उसके लिए टर्म इसी है ब्रैक्टियोल, ठीक है। ई ब्रैक्टियोल मतलब वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है थैलेमस, थैलेमस होता है फ्लावर के नीचे वाला ये जो पार्ट है फूला हुआ, ठीक है, उसके लिए टर्म इसकी गई है थैलेमस। पेडिसिल हैज एन अपर सोलन पोर्शन, उसको टर्म दी है थैलेमस, या उसको बोल सकते हैं टॉरस या रेसेप्टेकल भी उसे कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर पार्ट्स हैं, जैसे कि आपने इसके अंदर और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आपका थैलेमस है, ये आपका सेपल, ग्रीन कलर की जो बाहर पत्ती होती है सेपल, ये आपका पेटल, सेपल को एक और टर्म दी है कैलिक्स, पेटल को टर्म दी है कोरोला, कोरोला मतलब कलरफुल, इसलिए उसको नाम दिया है कोरोला, सेपल आपका कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। ये स्टेमिंग का एक डंडीलाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको नाम दिया है फिलामेंट। स्टेमन मेल पार्ट है, इसलिए इसको स्टेमन कहा जाता है क्योंकि इसने एंथर को क्या किया हुआ, कैरी किया हुआ है, और ये जो देख रहे हैं आप दैट इज एंथर। ये कार्पसल है, ये स्टेमन है, कार्पसल मतलब फीमेल पार्ट, स्टेमन मतलब मेल पार्ट। कार्पसल को हम गायनोशियम भी कहते हैं और स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पार्ट आपका है ओवरी वाला पार्ट, तो ये जस्ट जनरल पार्ट्स हैं जो एक फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है।
मे बी वो प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी, जैसे ब्रैकेट है, पेरेसिल है, ब्रैक्टियोल है. जरूरी नहीं है कि वो सब प्लांट्स में एक जैसे हों. इसके अलावा जो आप कोरोला और कैलेक्स देखते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रेजेंट होता है, जो आप आगे टर्म्स में पढ़ेंगे. तो ये जस्ट जनरल था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता है और फ्लावरिंग प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं. कंटिन्यू करेंगे.